सब हैरी बेकार की बातें हैं कि ये भूत आ गया, चुड़ैल आ गई, कि देवी आ गई, कि देवता, घर बांध दिया, परेशान है, और कुछ नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों का ही सब खेल है, अंधविश्वास के। चलो भगत के पास जा रहे हैं तो भगत हमारी ये समस्या को हल कर देगा, कैसे कर देगा भाई, तुम्हारे कर्मों का भोग है, वो तो तुम्हें भोगना ही है। वही चाकू है नहीं डॉक्टर चला देता है, और वही है नहीं चोर चला देता है, सही चला दोनों ही है नहीं पैसे के लिए रहे डॉक्टर पास है। हमारे पास में ऐसी शक्ति हुई क्या, हमें है नहीं ये योग करने के लिए, पहले किया हुआ है उसका तो फल आज हम भोग रहे हैं, पिछले जन्म का अभी ये करके जाएंगे इसका तो भोग, आगे जाके देखना क्या होगा। किसी ने घर बांध दिया, किसी ने कमाई बांध दिया, तो क्या ये सब चीजें सही है वास्तव में? ये वास्तव में सब है नहीं, पैसा कमाने का सब खेल है और घर में फूट डालने का ही खेल है। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के, श्रद्धालुओं के और संतों के दर्शन कराता हूँ। मैं हूँ शनिदेव के मंदिर में और मेरे साथ बैठे हैं एक महाराज जी। तो तंत्र में ज्यादा शक्ति है, तंत्र मंत्र में ज्यादा शक्ति है कि भगवान में सिर्फ एक भगवान ही है जो सबका उद्धार करने वाला है, उनमें ज्यादा शक्ति है? तो ये महाराज जी बताएंगे। तो जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। नाम क्या है महाराज जी आपका? हमको यहाँ पर है नहीं, इस जगह पे तो गुरुदेव सब बोलते है जी, और फौजी बाबा भी बोलते हैं। फौजी बाबा? हाँ। तो फौजी बाबा मतलब फौज में थे क्या पहले? हाँ हम फौज में थे पहले। अच्छा। तकरीबन हमने है नहीं 10 साल 2 महीना फौज में सर्विस की। अच्छा। उसके बाद में अपना चले आए। तो ये इस परंपरा में कैसे, संत परंपरा में कैसे आ गए? हम इसमें बचपन से ही थे। बचपन से ही? हाँ, कुछ समय ऐसा आया जी बीच में के 13 साल ये 10-11 साल के लिए है नहीं, फिर गृहस्थी में आ गए। अच्छा। और फिर गृहस्थी में जब ध्यान आया तो फिर वापस लौट, फिर मन नहीं लगा मतलब। हाँ। फिर संत होने, फिर तैसे के तैसे ही हो गए। अच्छा। संत हो गए। हमारा सौभाग्य ये था कि हमें लड़ाई लड़ने का है नहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा। हाँ। कौन सी लड़ाई लड़ी महाराज जी? हमने श्रीलंका में जाकर शांति सेना में है नहीं, अच्छा, हम लड़ाई लड़के आए, हमें बढ़ाई, तो हमने है नहीं अपने जीवन को अपने को धन्य समझा कि जो कभी देश के काम में, देश के काम में। बिल्कुल सही बात है। तो फिर फौज की नौकरी क्यों छोड़ दी महाराज जी? उसमें हमें कोई कुछ दिखा नहीं। अच्छा। हाँ। क्योंकि आप तो मन तो संत में था, संत परंपरा में था, साधु बनना था, परोपकार करना था। हाँ। जितना हमें चाहिए था उतना हमारा पूरा हो गया। अच्छा अच्छा। और जितना हमारा वहाँ पर है नहीं भोग भात था वो भी हमने लिया। नहीं सही बात। अब उससे आगे हमारा है नहीं जो जीवन में है नहीं प्रभु कृपा से जी हमारे पास में ऐसी शक्ति हुई जी कि हमें है नहीं ये योग करने के लिए कह दिया। अच्छा। तो अब हम योग कर रहे हैं। तो महाराज जी इतना बताएं कि लोग मुझसे पूछते हैं, अपने संदेश भेजते हैं, इस सांसारिक क्लेश हैं जो सांसारिक दुख हैं उनका निवारण क्या है? एक तंत्र है या फिर भगवान की डोर लगाना या भगवान को याद करना वही निवारण है सर? अरे ये तो सब है नहीं, जो जो करायो उसका भी तो है नहीं भोग भोगना पड़ेगा। अच्छा। जो हम पहले वो आए हैं उसको भी तो काटना है जी, वो इसी जन्म में करना पड़ता है। वो अभी हमें जो पहले किया हुआ है उसका तो फल आज हम भोग रहे हैं, पिछले जन्म का अभी ये करके जाएंगे इसका तो भोग आगे जाके देखना क्या होगा। तो कलयुग में तो महाराज जी मैंने ये सुना कि कलयुग में अगर करते हैं तो तुरंत मिल जाता है। कलयुग में करते हैं तुरंत भी मिलता है और कुछ रह जाता है वो आगे के लिए बढ़ जाता है। अच्छा, आगे के लिए बढ़ता है। हाँ। अच्छा, तो इसमें क्या फिर वो होना चाहिए? अब इसमें पहले आदमी को अपने चरित्र को बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो फिर ये चाहे नारी हो चाहे नर हो, कोई भी हो, अपने चरित्र को जब तक नहीं बनाएगा तब तक कुछ नहीं बन सकता है। अंधविश्वास के, चलो भगत के पास जा रहे हैं तो भगत हमारी ये समस्या को हल कर देगा, कैसे कर देगा भाई, तुम्हारे कर्मों का भोग है वो तो तुम्हें भोगना ही है जी, सही बात, उसको तो कोई नहीं मिट सकता। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि तंत्र मंत्र से कोई निवारण हो जाए या कुछ घर की जो ऐसा कुछ वो दूर हो? ऐसा कुछ नहीं है जो। हाँ, ऐसा है उस गुरु की कृपा से अगर ईश्वर के लग जाओ, ईश्वर से जुड़ जाए, जुड़ जाओ तो तुम्हारा ऐसा है कि कुछ हद तक तुम्हारे कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा जी, मगर उसमें कुछ सबूलियत मिल जाएगी, आराम मिल जाता है, आराम मिल जाता है। भोग तो भोगना ही पड़ेगा, जो आज करके
आज कर रहे हो उसका भी भोग भोगना पड़ेगा, और जो करके आए हो उसको अभी भोग रहे हो। अच्छा, जो करके आए उसे भोग रहे हैं, वही हो रहा है। मतलब आपका ये कहना है महाराज जी कि जो पिछले जन्म में हमने किया उसका तो भोग आज भोगना पड़ रहा है। अगर मान लो हम दुखी हैं तो पिछले जन्म की वजह से, अगर सुखी हैं तो पिछले जन्म। भगवान की आरती में भी बोल रहे हैं तेरा तुझको अर्पण, तो भगवान सब कुछ तुम्हारा ही है, जो वही तुम्हें ही को अर्पण कर रहा है। अच्छा, ये भगवान भी कहता है, ये भगवान की आरती में भी कहा है। वैसे हम तुम कहते हमारे तुम्हारे लिए कहा है, मगर हम तुम नहीं कर पा रहे, मगर वो तुम्हारा तुमको अर्पण कर रहा है, दे रहा है, जो किया है तो भाई तुम अपना जैसा कर्म वैसे ही रिटर्न है। अच्छा, राजी से लो को राजी से लोगे, अच्छा लेना तो पड़ेगा। मनुष्य पैदा होते हैं तो उसके बाद में जैसे समझदार होते हैं तो फिर ये समझते हैं कि दुख और सुख में अंतर पैदा करने लग जाते हैं। पाप पुण्य का निर्णय कैसे करें कि ये पाप है ये पुण्य है? समय होता है, समय का पाप और समय से ही पुण्य लगता है। अच्छा, कुछ ऐसे समय है कि उस टाइम पे अगर गलत काम करे बगैर भी वो हल नहीं होगा। अच्छा, गलत काम करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हल करने के लिए सामाजिक या उसको हल करने के लिए कभी तुमको है नहीं स्वयं भी गंदा होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये समय का है कि समय क्या कराता है। अच्छा, और फिर जिस विचारधारा में आप चलने वाले बहने वाले हो उस विचारधारा में अगर तुम्हारी धारा में कोई भी अगर बाधा आएगी तो उसको हल करने की तुम कोशिश करोगे। जी सही बात, चाहे उसमें परेशानी से करनी पड़े या आराम से हो जाए, वो समय बताएगा क्या है क्या है, वो समय होता है। हाँ, तो हम कर्म कैसे निर्णय करें कि ये कर्म हमारे सही है या गलत? कर्म तो करने के लिए है सब, तो उनका निर्णय कैसे होता है? उसका समय है। एक चोर अगर चोरी करने आता है वो भी भगवान से कहता है कि आज पकड़ना है। हाँ, चोरी वो भी करने आता है। सही है चोरी करना? चोरी करना सही भी है और नहीं भी है। सही कहाँ है महाराज जी? जब कुछ नहीं है तो क्या करें? अच्छा, जब उसके पास में चोरी उसी के लिए बताई है जब कहे नहीं उसके पास में खाने के लिए भोजन नहीं हो परिवार तक के लिए। जी, तो खाने को भोजन तो अगर कोई काम नहीं करेगा तो भी नहीं होगा भोजन। भोजन तो मिलेगा मगर विश्वास नहीं है। अच्छा, और फिर तुम्हारे कर्मों का भोग कौन भोगेगा? वो तो तुम्ही को भोगना है। तो इकट्ठे ही वो हुए, भगवान ने उसे चोरी करने ही भेजा है धरती पे, भेजा ही इसीलिए वो चोरी बनेगा। चोरी बनेगा। अच्छा, और सही कहाँ होता है, गलत कहाँ होता है चोरी करना? गलत कब है? गलत भी है। कब है गलत? किसी का धन तुम चुरा रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ चोरने के बाद भी है नहीं तुम धन चोरी कर रहे हो। नियत अगर वो कर रही है, दिल सावधान हो जाएगी। अगर तुम चोरी कब कर रहे हो? जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तब सब कर ली तुमने चोरी, तो वो एक परिवार पालन के लिए कर्म तो बुरा है। हाँ, रास्ता तो गलत है, रास्ता मेहनत मजदूरी भी की जा सकती है, दोनों ही चीजें हैं। वही चाकू है नहीं डॉक्टर चला देता है, और वही है नहीं चोर चला देता है। सही बात, चला दोनों ही है नहीं पैसे के लिए रहे। डॉक्टर चलाता है किसी को बचाने के लिए। हाँ, और चोर चलाता है किसी को मारने के लिए। कमाते दोनों ही है। जी सही बात, कमाई दोनों से, डॉक्टर भी कमाई के लिए चला रहा है तो डॉक्टर भी उसी के लिए कमा रहा है, चला रहा है जी पैसे के लिए, और वो भी चला रहा है चोर भी। चोर भी, अंतर बस इतना है कि एक जना एक के लिए है नहीं, एक बचाने के लिए चलाता है तो उसको है नहीं ना पुलिस बोल रही है ना कानून कोई कुछ कह रही है। जी जी सही है, और एक पैसे के लिए चला रहा है तो उसको है नहीं कानून की सजा मिलेगी। लेकिन रास्ता गलत है, रास्ता तो गलत है, बिल्कुल सही है। और काम एक ही है, काम एक ही है, चाकू से वो भी उसके चाकू से भी मर जाता है मरीज, उससे भी अंग कट रहे हैं, इससे भी अंग कट रहे हैं, काटे जा रहे हैं। सही बात, समय को देख करके कर्म किया जाता है वो ही पाप पुण्य बनता है। अच्छा, पाप पुण्य अपने आप ही ज्ञात हो जाता है समय के आधार पर, समय के आधार। तो अब अब कभी कभी ऐसा है कि किसी को बचाने के लिए किसी को मारना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, जाने क्या क्या है, तो समय का कुछ पता नहीं है कि क्या है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जो वहाँ ज्ञानी भी होते हैं वो भी झूठ बोलते हैं किसी को बचाने के लिए। वो परोपकार में आता है, वो भी कुछ न कुछ अपने
अपने अपने ध्येय होते हैं, हर इंसान के अपने अपने अलग ध्येय, अपने अपने अलग विचार होते हैं। अच्छा, तो जो मेरे विचार हैं वो आपके नहीं हैं, इनके नहीं हैं, किसी के नहीं हैं, वो मेरे ही तो विचार हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जी मैंने देखा है कि कोई ऐसे बताते हैं कि नींबू का किसी ने टोटका करवा दिया, कि किसी ने घर बांध दिया, किसी ने कमाई बांध दी, तो क्या ये सब चीजें सही हैं वास्तव में? ये बात सब है नहीं, पैसा कमाने का सब खेल है और घर में फूट डालने का एक खेल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर में फूट डालने का ये खेल है। अच्छा। परिवार में अगर सब बंधे हुए क्या वो के ये खेल नहीं है, ये खेली, अरे ये बताओ जो गया है उसके बाद कौन आता है? सही बात, जो चला गया वो कौन आ रहा है? बिल्कुल सही बात। ये तो सब है नहीं, बेकार की बातें हैं कि ये भूत आ गया, कि चुड़ैल आ गई, कि देवी आ गई, कि देवता, घर बांध दिया, परेशान है, और नहीं तुम्हारे अपने कर्मों का ही सब खेल है। अच्छा, जो हमारे से परेशान है, हमारी जब है नहीं, जब पैदा होते हैं तो वह माता ने पहले ही लिख दिया है कि तेरे साथ में ये होना है और ये तेरे कर्मों का फल है, ये तू भोग, इसमें से अमिट कुछ नहीं होता है। और घर में क्लेश वगैरह है, औलाद वो नहीं माननी, बात नहीं मानती, तो वो भी तंत्र के पास पहुंच जाते हैं, तंत्र के पास में पता नहीं क्या मिलता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब है नहीं, तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अच्छा, कि तुम्हें कैसी संतान मिली और उसका फिर तुमने है नहीं संतान को, अपनी संतान को अगर अच्छी तरह से संस्कार दिए तो भाई तुम्हारे साथ है। मगर संस्कार भी उसी के ऊपर है जो तुम्हारे है नहीं, तुम्हें वे माता ने जो लिख दिया है कि ऐसी मिलेगी संतान। अच्छा, वैसी बुद्धि होगी, दोनों ही खेल है, वैसे ही कर्म होंगे, वही खेल है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तुम्हारे जो कर्म है जो आज कर रहे हो उसको आगे के लिए चेतन हो लो। जी सही बात है, जो लेकिन जगता नहीं है वो फिर तो वह नहीं पछताएगा। तो दोस्तों महाराज जी ने बताया हमें कि मनुष्य को यही सब कुछ भोगना है, पाप पुण्य का निर्णय भी भक्ति के आधार पर होता है। तो दोस्तों इसी तरह मेरे साथ बने रहें, भक्ति की वीडियोस और गोवर्धन महाराज की, और अनेक ऐसे संत, अनेक ऐसे श्रद्धालु और जो ऐसे भक्त हैं, दिव्य भक्त जो दंडौती की परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसे भक्तों के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय।